चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख घटनाओं को संक्षेप में बताएंगे। विवरण मैं बता रहा हूँ, इसमें दूंगा एक, इसमें मतलब एक मैं डेट लिखूंगा, उसमें बता जाऊंगा मतलब छत्तीसगढ़ में जो आधुनिक भारत का, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास है। ये मॉडर्न छत्तीसगढ़ का इतिहास है, मॉडर्न छत्तीसगढ़ का इतिहास है, जो आपका स्वतंत्रता संग्राम के जब चालू हुआ, जब जब अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष चालू हुआ, उनका शासन चल रहा था, तो आज़ादी के लिए हमारे जो छत्तीसगढ़ से भी जो अनेक लोगों की भागीदारी थी, जब गांधी जी का युग आया था, युगीन जो 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 काल चल रहा था, देश को आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष हो रहा था, उसी टाइम में हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया था, विभिन्न विभिन्न जो आंदोलनों में भी अपना हिस्सा और भागीदारी सहयोग मतलब प्रदान किया था। तो और जो कांग्रेस दल था, जो अलग अलग उनके द्वारा जो समिति बनी थी, जो बैठक उठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उस सब के बारे में इसमें थोड़ा एक ब्रीफ नॉलेज दूंगा संक्षेप में भी। इसके बाद फिर मैं डिटेल में बताऊंगा, इसको याद रखना ठीक है। मैं लिखते चलूंगा उसको, मैं बता देता हूँ हर चीज़, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, डायरेक्ट बोलूंगा, आप लोग सुनते रहेंगे मस्त क्रम से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से चालू करते हैं। 1889 से 1889 में और 1885 में याद रखना, कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस दल बना, कांग्रेस का क्या गठन हुआ, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, इसको याद रखना ठीक है। फिर हमको जो छत्तीसगढ़ से मिला, यहाँ से 1889, सॉरी हाँ 1889, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का क्या हुआ, बंबई में अधिवेशन हुआ, तो छत्तीसगढ़ में सब जो नेता थे इसमें शामिल हुए थे, इसको याद रखना, पहली बार मतलब शामिल हुए थे यहाँ बंबई अधिवेशन में। क्या बंबई अधिवेशन में कौन, बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, ठीक है इसको याद रखना। फिर 1891 में क्या बोल रहा हूँ, 1891 में 2 साल इसमें मतलब वो कीजिए मतलब बढ़ाइए, 1891 में क्या किया, नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन हुआ 91 में, नागपुर अधिवेशन हुआ। अब उसमें क्या, छत्तीसगढ़ की भागीदारी क्या थी भैया, इसमें छत्तीसगढ़ के भी इन्होंने हिस्सा लिया, हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं ने, कई सारे नेताओं ने क्या किया, इसमें हिस्सा लिया, इसको याद रखना आप लोग। अब 1894, अब 1894 में क्या हुआ जी, भीषण अकाल पड़ा, क्या चीज का बोल रहा हूँ, भीषण अकाल पड़ा छत्तीसगढ़ में, अकाल पड़ा 1894 में, इसको याद रखना, अकाल पड़ा भैया छत्तीसगढ़ में, अकाल पड़ा, इसको याद रखना। 1900 में याद रखना, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ कहाँ, इसके द्वारा माधवराव सप्रे द्वारा हुआ, एक छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, इसको याद रखना, ये कहाँ हुआ, माधवराव सप्रे, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, इसको याद रखना, माधवराव सप्रे द्वारा क्या किया गया, इसको छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन माधवराव सप्रे द्वारा, इसको याद रखना 1900 में, ठीक है। 1905 में देखिए, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो, कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, बनारस अधिवेशन में क्या, छत्तीसगढ़ की क्या भागीदारी, बनारस अधिवेशन में क्या जी, छत्तीसगढ़ की भागीदारी 1905 में इन्होंने की। ये तो ये शायद मेरे ख्याल से बनारस से 1905 में, चलो ठीक है, बनारस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी इसमें थी, है ना, इसको याद रखना।
मतलब हमारे छत्तीसगढ़ से नेता लोग शामिल हुए किसमें, बनारस अधिवेशन में। देखिए, बम्बई में हुए, नागपुर में हुए, बनारस में हुए। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन माधव राव सप्रे द्वारा 1900 में किया गया। ये क्या था, ये प्रकाशन, ये न्यूज़पेपर था। क्या था, एक पत्रकारिता था, न्यूज़पेपर था, इसको याद रखें। अब 1906 में चलिए, अब 1906 में सम्मित्र मंडल, एक क्या गठन हुआ, सम्मित्र मंडल का गठन हुआ 1906 में। इसके बाद छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ, ये राजिम में कहाँ हुआ, राजिम में हुआ। इसके जो जो इसने किया सुंदरलाल शर्मा द्वारा, सुंदरलाल द्वारा क्या किया, इसको किया गया इसको। अब 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ। क्या हुआ जी, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या, इसमें भी छत्तीसगढ़ों ने भाग लिया 1907 में। हमारे तीन चार लोग नेता लोग इसमें सम्मिलित हुए थे उस टाइमिंग में, 1907 में, इसके याद रखिएगा। फिर 1907 में फिर क्या बोल रहा हूँ जी, 1907 में प्रांतीय कांग्रेस का जो तृतीय सत्र रायपुर में, जो रहा तो चलिए, प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय सत्र 1907 में रायपुर में, लिख दिया हूँ इसको, प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय सत्र रायपुर में। प्रांतीय प्रांत का जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, वो भी तीसरे नंबर का, कहाँ हुआ, रायपुर में हुआ। क्योंकि प्रांत मतलब उस टाइम में क्या, मध्य प्रांत और बनारस शामिल था। तो क्या हुआ उसमें, तीसरा उसका सम्मेलन हुआ रायपुर में हुआ था, इसको याद रखना। सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ ने भाग लिया 1907 में। फिर 1908 में याद रखिए, 1908 में क्या था, हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन, जो हिंद केसरी केसरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था आपका, कब हुआ था, माधवराव सप्रे द्वारा हिंद केसरी पत्रिका 1908 में। हिंद केसरी पत्रिका, पत्रिका मतलब क्या, न्यूज़पेपर, प्रकाशन माधवराव सप्रे द्वारा। चलो अब लिखते नहीं चलते, बोलते चलते। 1909 में हुआ था आपका सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, सरस्वती नाम का लाइब्रेरी, वो भी किस, राजनांदगांव में, ठाकुर प्यारेलाल द्वारा। ये राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा, इसको याद रखना, लाइब्रेरी सरस्वती, सरस्वती लाइब्रेरी, इसको याद रखना, ठीक है। अब 1910 में, कब जी, 1910 में याद रखना आप लोग, भूमकाल विद्रोह हुआ गुंडा धुंधार, भूमकाल, भूमकाल विद्रोह हुआ, इसको याद रखना, ठीक है। फिर 1912 में आइए, 1912 में काने कुछ सभा की स्थापना की। अब काने कुछ सभा की स्थापना किसने की, तो रविशंकर शुक्ल ने किया। काने कुछ सभा की स्थापना 1912 में, यह रायपुर में किया गया, इसको याद रखना। फिर रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर, इसको याद रखना, शुक्ल के द्वारा, ठीक है। 12 हो गया आपको, 1915 में याद रखना, 1915 में यहाँ जो रायपुर में जो माल गुजारे को सम्मेलन हुआ था, माल गुजारे मतलब क्या, गोटियों लोग का सम्मेलन हुआ था, तो गोटियों का सम्मेलन हुआ था, गोटियों का सम्मेलन किसके हुआ था उसी टाइम में रायपुर में, तो ये 20 जून 1915 को हुआ था। एक ईद कब हुआ था जी, 1915, 20 जून 1915 को हुआ था, इसको याद रखना, ठीक है। इसको याद रखिए आप लोग, 1916 होम रूल लीग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव, होम रूल लीग आंदोलन का, होम रूल लीग आंदोलन का, आंदोलन क्या हो, छत्तीसगढ़ में प्रभाव। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ा। होम मतलब होम रूल का आंदोलन 1916 में हुआ, और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग का स्थापना, उसका कई जगह उसका देखें, मतलब स्थापना तो हमारा 1917 में हुआ। ये देखो बताता हूँ, जो क्षेत्रीय हम लोग का जो बना, जो क्षेत्रीय होम रूल लीग हम लोग का शाखा बना ना, स्थापना रायपुर में बना, पहला रायपुर में बना, इसको याद रखना। 1918 देखिए, 1918 में होम रूल लीग का जो क्षेत्रीय सम्मेलन, अब देखो शाखा बना, ये शाखा बना, इसमें 17 में शाखा बना होम रूल लीग का,
होम रूल लीग का शाखा बना, यानी होम रूल लीग का क्या हुआ, सम्मेलन हुआ इसमें। ठीक है, इसमें रविशंकर थे पंडित, रवि जी शंकर शुक्ल थे, इसको याद रखना। 1918 हो गया, एक 18 में एक और याद रखना, 18 में ही जनेऊ जनेऊ कार्यक्रम क्या हुआ भैया, जनेऊ कार्यक्रम तो सुंदरलाल शर्मा द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, सुंदरलाल शर्मा। एक 1918 में किसान विद्रोह भी याद रखना, किसान उड़ाव विद्रोह, किसान उड़ाव विद्रोह, किसान उड़ाव विद्रोह, इसको याद रखिए आप लोग। किसको बोल रहा हूँ जी, किसान उड़ाव विद्रोह। ठीक है, 1918 में, समझ गए इसमें का जो बता रहा हूँ मैं। एक 1919 में याद रखना, रोलेट एक्ट का विरोध, रोलेट एक्ट का विरोध, इसको याद रखना, रोलेट एक्ट का विद्रोह। रोलेट एक्ट का क्या हुआ, विद्रोह हुआ, इसको याद रखना। 1919 में छत्तीसगढ़ में रोलेट एक्ट का क्या हुआ, मतलब विरोध होना चालू हुआ 1919 में, इसको याद रखिए। ठीक है, अब 1920 में आया राजिम किसान मजदूर सभा का आयोजन, राजिम किसान मजदूर सभा का आयोजन, राजिम किसान मजदूर सभा का आयोजन, किसान मजदूर सभा का आयोजन क्या हुआ, राजिम में हुआ, इसको 1920 में याद रखना। किसान मजदूर सभा, इसको विष्णु दत्त शुक्ल द्वारा अध्यक्षता की गई थी, एक विष्णु दत्त नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया था राजिम में, जो किसान मजदूर सभा का आयोजन किया था। अब 1920 में ही एक और याद रखना आप लोग, खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़ के साथ मतलब उनके भागीदारी थे, खिलाफत आंदोलन, इसको याद रखना। ठीक है, और उसमें छत्तीसगढ़ के हम लोग का क्या रोल था, इसको याद रखना। तमाम बताऊंगा अभी, अभी ऐसी ओवर भी दे रहा हूँ मैं सभी का भी। खिलाफत ही हो गया, एक बंगाल नागपुर बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, इसमें हड़ताल हुआ था 1920 में ही हुआ था, ये कहाँ था, राजनांदगांव में, राजनांदगांव में हुआ था। दूसरा नंबर का हुआ था 1924 में, और एक 1937 में, इसको याद रखना। ठीक है, कंडेलना सत्याग्रह का हुआ था जुलाई 1920 में, कंडेलना सत्याग्रह, इसको याद है, कंडेल नहर नहर सत्याग्रह, ये क्या हुआ था 19 जुलाई 1920 में, 1920 में, जुलाई 1920 में याद रखना। 1920 में गांधी जी का जो प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 20 दिसंबर, गांधी जी का आगमन है ना, इसको याद रखना, 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 1920 को, कंडेलना सत्याग्रह जुलाई 1920 में, इसको याद रखना। ठीक है, और 1920 में ही असहयोग आंदोलन हुआ था, क्या हुआ जी, असहयोग आंदोलन, और छत्तीसगढ़ में इसमें सम्मिलित था, वकालत का परित्याग किया था, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, समझ रहे हो, वकालत का परित्याग इसी टाइमिंग में किया गया था, और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की 1920 में, है ना, नेशनल स्कूल खोला गया, और शासकीय सेवाओं में क्या किया गया, बहुत सारे त्याग वाग दिए गए, जो शासकीय पद उत्का कई लोगों ने त्याग वाग कर दिया, और जो शराब उराब मादक पदार्थों का ना सबका बहिष्कार करना चालू कर दिया, और जो काउंसिल उंसिल थी परिषद उषद की, उन लोग बैठकों को सबको छोड़ने लगे इन लोग असहयोग आंदोलन के टाइम में, सत्याग्रह एवं जो खादी उदी आश्रम उसको मतलब बढ़ावा देने की बात की, पंचायतों का गठन किया गया, कई सारे घटनाएं हुई। ठीक है, इसको याद रखना। अभी इस टाइम में क्या क्या थोड़ा हुए थे थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है, इसको मेरे को अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, मेरे को मैं सोच रहा था इसी वीडियो में ही कंप्लीट कर रहा हूँ बोल के, तो चलो बताता हूँ अब क्या करोगे अभी इसमें। एक मार्च 1921 में याद रखना, माखन लाल चतुर्वेदी ने भाषण दिया था,
कहाँ आपका, बिलासपुर के कुछ आसपास में मेरे ख्याल से दिया था। एक 1921 में याद है, केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में अकबर, ठीक है इसको याद रखना। 1921 में एक और याद है, खादी प्रदर्शनी हुआ था रावत भाटा रायपुर में, मतलब खादियों का प्रदर्शन हुआ था रावत भाटा रायपुर में, इसको याद रखना। एक 1922 में याद रखना, सुंदरलाल शर्मा जी गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए, इसको याद रखना। एक था 25 मार्च 1922, 25 मार्च 1922 ये आपका रायपुर राजनीतिक परिषद अधिवेशन, रायपुर राजनीतिक परिषद अधिवेशन, इसको याद रखना। 1923 में याद रखना, स्वराज पार्टी का गठन और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल हुए। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, 1923 में मतलब छत्तीसगढ़ इसमें शामिल हुए। 1923 में ही स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ, मध्य प्रांत उसमें शामिल हुआ, और प्रांतीय चुनाव में जो छत्तीसगढ़ से नेता भी सम्मिलित हुए, इसको भी याद रखना। जो स्वराज दल का जो गठन हुआ, पार्टी का जो दल गठन हुआ, उसमें मध्य प्रांत और प्रांत के जो चुनाव में छत्तीसगढ़ से नेता मतलब इसमें सम्मिलित हुए। फिर 1923 में ही आप झंडा सत्याग्रह, और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल था, झंडा सत्याग्रह में जो हुआ था पूरे देश में, तो छत्तीसगढ़ से को क्या कौन कौन भागीदारी थी इसको भी देखना आप लोग। फिर 1923 में ही इसी के अंतर्गत मान लो एक हुआ था आपका कांग्रेस से, कांग्रेस के ने क्या किया था, जो कांग्रेस का एक काकीनाडा अधिवेशन हुआ था, काकीनाडा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या लिया, छत्तीसगढ़ भागीदारी, ठीक है इसको याद रखना। रायपुर में जो क्रांतिकारी घटना हुई थी एक 1924 में, क्रांतिकारी घटना कब हुई थी, 1924 में रायपुर में क्रांतिकारी घटना 1924 में हुई। फिर एक 24 में ही याद रखना, एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था, तो 1924 में एक सांप्रदायिक, कई सारे संप्रदाय का दंगा उंगा हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ में प्रभाव उसको देख लेना, मतलब इसमें इसके इसमें दिया गया है। अब 1925 में आना है, अछूतोद्धार मतलब अछूतों का उद्धार कार्यक्रम एक चलाया गया राजिम में, जहाँ चलाया गया राजिम में, किसके द्वारा चलाया गया आपका, सुंदरलाल शर्मा द्वारा, सुंदरलाल शर्मा द्वारा चलाया गया, इसको याद रखना। 1925 में ही एक स्वतंत्र दल बना, स्वतंत्र दल बना ई राघवेंद्र आधार, किसके द्वारा, ई राघवेंद्र आधार स्वतंत्र दल बना, सुंदरलाल शर्मा द्वारा अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया गया राजिम में, इसको याद रखना। 1928 में चला गया यूथ लीग का गठन हुआ, यूथ लीग का गठन हुआ रायपुर में, यूथ लीग का गठन हुआ भैया हमारा रायपुर में, इसको याद रखना, ठीक है। 1930 में याद रखना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रथम चरण का जो छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण का जो छत्तीसगढ़ में प्रभाव, सविनय अवज्ञा आंदोलन के छत्तीसगढ़ में प्रथम, जो प्रथम चरण का छत्तीसगढ़ में प्रभाव जो पड़ा ना 1930 में, इसको याद रखना। फिर 1930 में ही आपको याद रखना, जो एक आंदोलन चला, न कर देंगे न पट्टा मत लो, ऐसे बोला ठाकुर प्यारेलाल और गजाधर साहब ने, तो 1930 में ऐसा चीज हुआ। 1930 में ही एक हुआ था छत्तीसगढ़ के जो जंगल सत्र का हुआ था, इसको याद रखना, कई जगह में अलग अलग जंगल सत्र का इसी टाइमिंग में हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइमिंग में, वो सब मैं बताऊंगा बाद में, समझ गए। एक 1932 में हुआ था गोंड विद्रोह, इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ, इसमें गोंड विद्रोह हुआ था, इसको याद रखना। क्या हुआ था भैया गोंड विद्रोह 1932 में, गोंड ये मेरे ख्याल से उड़ा उड़ा के थे या धमधा के, इसको याद रखना। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड चरण, ये 30 में आपका प्रथम चरण था, क्या था, प्रथम चरण था, इसमें आपका सेकेंड चरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम इसमें चरण था, इसमें याद रखिएगा, समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ पर प्रभाव पड़ा, इसको याद रखना, किस पर प्रभाव पड़ा, छत्तीसगढ़ पर पूरा प्रभाव पड़ा, इसको याद रखिएगा। 1933 में याद रखना, 1933 में आप याद रखना, जो गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ, सेकेंड बार दूसरा नंबर दूसरा बार आया 1933 में, गांधी गांधी आया भैया सेकेंड बार, सेकेंड बार आया, पहला बार आ चुका था 2019 में आया था,
इसको याद रखना। इसने 22 से 28 मतलब इतने दिन रुका, 6-7 दिन रुका था 1933 में। ये भी नवंबर का महीना था जब आया था गांधी, ठीक है। अब 1935 में देखिए, 1935 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा एक क्या उत्थान नामक मासिक पत्रिका, इसको याद रखना, उत्थान नामक पत्रिका, ये मासिक था। कैसा था? मंथली था, मंथली न्यूज़पेपर था, इसको याद है। अभी जो कई सारे मंथली मंथली दिन निकालते हैं, तो रायपुर जिला परिषद द्वारा निकाला गया था, इसको याद रखना, ठीक है। 37 में याद रखना, विधानसभा का प्रथम चुनाव, हमारे जो प्रांत जो बना था, जो मध्य प्रांत और बरार एक प्रांत था, तो उसी प्रांत में क्या हुआ, चुनाव हुआ, प्रथम चुनाव उन प्रांत का चुनाव हुआ था। किसका हुआ था? प्रांत का, आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन बना था? मुख्यमंत्री बना भी नारायण, नारायण खरे मुख्यमंत्री बना था 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1937, इसको याद रखना। और 29 जुलाई 1938 में इसने त्यागपत्र, 1 साल में त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, इसको याद रखना। फिर 29 जुलाई 1938 में फिर कांग्रेस का मंत्रिमंडल फिर गठन हुआ, इसमें रविशंकर शुक्ल क्या थे, पंडित रविशंकर मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखना। पंडित रविशंकर क्या थे? मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर, सीएम, ये भी चीफ मिनिस्टर था, नारायण खरे, समझ गए जी। चलो 1937 में फिर आप आगे आते हैं हम लोग, एक बालोद में किसान आंदोलन हुआ था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के दौर, क्या बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन हुआ था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के दौर। अग्रवाल के द्वारा देखिए, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा क्या हुआ था भैया, डोंडी लोहारा बालोद में किसान आंदोलन हुआ था, इसको याद रखिए आप लोग। 1937 में हुआ था, 1938 में बताता हूँ। इसमें देखिए, चुई खदान राजनांदगांव में किसान आंदोलन हुआ था, चुई खदान राजनांदगांव में किसान आंदोलन हुआ, इसको याद रखना। 1938 में, 37 में कहाँ, डोंडी लोहारा बालोद में किसान आंदोलन हुआ, पहला बालोद में हुआ, फिर आपका राजनांदगांव जाएगा। इसने राम नारायण मिश्र हरसूल द्वारा, एक हरसूल नाम का व्यक्ति था, और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल आपका बालोद में। अब 1938 में ही एक और याद रखना, सेवा दल का गठन, सेवा दल का क्या हुआ भैया, गठन हुआ, इसके बाद एक खैरागढ़ में हुआ। अब खैरागढ़ कहाँ है आपका, राजनांदगांव में, जो संगीत विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है गाना वाला, ठीक है, वहीं। 1940 में एक है रायपुर, कांग्रेस भवन का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, कांग्रेस का भवन बनाया रायपुर में, उन लोग का भवन, कांग्रेस दल का समय जो पंजा छाप का दल बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई ने, सरदार पटेल ने कांग्रेस का क्या भवन बनाया, इसको याद रखना। 41 में याद रखना, सारंगढ़ रियासत में किसान आंदोलन, सारंगढ़, सारंगढ़ क्या है अभी, जिला बन गया अभी, तो यहाँ क्या हो, किसान आंदोलन हुआ दानी पटेल के द्वारा, धनी राम पटेल के द्वारा, इसको याद रखना। 1941 में, ठीक है, 1942 याद रखिए, 1942 रायपुर षड्यंत्र केस हुआ परशुराम सोनी द्वारा, रायपुर षड्यंत्र केस हुआ परशुराम सोनी द्वारा, उनके जो नेता थे, एक भारत छोड़ो आंदोलन देखिए 1942 में ही। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में काफी प्रभाव पड़ा उस टाइम में। चलो इसको अगला, तो ये था आपका नौ, इन्होंने देखो 9 अगस्त, 9 अगस्त को क्या हुआ था 1942 में, रायपुर में विशाल जुलूस निकला, विशाल जुलूस रायपुर में, कहाँ भैया, रायपुर में, रायपुर में निकाला गया। कौन निकाला? त्रेता नाथ तिवारी ने, त्रेता नाथ कौन थे भैया, तिवारी, त्रेता नाथ तिवारी जी, इसको याद रखिएगा, त्रेता नाथ तिवारी जी, इसको याद रखिएगा। फिर 9 अगस्त में
1942 में नागपुर हाई कोर्ट, नागपुर का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायालय में जाके भवन में ना, हाई कोर्ट भवन में इसने तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराया एक व्यक्ति ने, क्या नाम था, रामकृष्ण, रामकृष्ण ने जाके क्या तिरंगा फहराया, इसको याद रखिए, 10 अगस्त, 10 अगस्त 1942 में देखिए, रायपुर विद्यार्थी जुलूस, रायपुर का अभी देखिए विशाल जुलूस निकाला मैं इसमें अभी, अब रायपुर विद्यार्थियों का जुलूस, बच्चों लोग का जुलूस निकला, बच्चों लोग का क्या निकला, जुलूस निकला, कौन था इसका नेता, रघुवीर सिंह शास्त्री था, कहाँ से निकला नेता, रघुवीर सिंह शास्त्री था, और नहीं मतलब स्टूडेंट कहाँ के थे, तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थी थे, अब छत्तीसगढ़ महाविद्यालय कहाँ थे, ये रायपुर में ही है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय मतलब कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज कहाँ है आपका, आपका वहाँ के बच्चे लोग ने भाग लिया था, इसको याद रखना, 10 अगस्त को, अब एक 28 अगस्त 1942 में रायपुर में, सॉरी दुर्ग में एक कचहरी है, दुर्ग के जो कोर्ट में क्या किया, रघुनंदन सिंह रावल ने क्या किया, आग लगा दिया, आग लगाया किसने, रघुनंदन ने, रघुनंदन सिंह रावल ने कचहरी में आग लगा दी कोर्ट में, 2 अक्टूबर 1942, इसको याद रखना। तो बिलासपुर में विशाल जुलूस भवन बना, जो बिलासपुर में हम लोग का जो विशाल जुलूस निकाला, एक विशाल जुलूस अलग है और बच्चे लोग का जो जुलूस निकाला तो अलग है, ये भुवन भास्कर सिंह द्वारा, इसको भुवन भास्कर सिंह 2 अक्टूबर को निकाला, इसका नेता था भुवन भास्कर सिंह, कौन थे भैया, भुवन भास्कर सिंह, इसको याद रखना, 1942 में ही आपका निकाला, एक रायपुर डायनामाइट केस का केस हुआ, बिलख नारायण अग्रवाल उसके नेता थे, कौन थे भैया, अग्रवाल, बिलख नारायण, कौन थे जी, बिलख नारायण अग्रवाल, इसको याद रखिए, 1942 में। अब चलिए ये इतना काफ़ी है, इसके बाद 1944 में कांकेर में, कहाँ, कांकेर में किसान आंदोलन हुआ, कांकेर, कांकेर एक जिला है, वहाँ किसान आंदोलन हुआ, उसका नेता था इंदु केवट, इंदु नाम की लड़की महिला थी, पता नहीं कौन था, इंदु नाम, इंदु केवट, 1946, 1946-1940 में एक घटना हो घटी, तो इसमें एक काफ़ी समय थोड़ा देख लेना इसमें, तो मध्य प्रांत में दूसरा चुनाव है, जो हम लोग मध्य प्रांत और बरार का जो प्रांत का पहले जो राज्य था वही पहले प्रांत कहला था समझ लो, राज्य था मान लो, तो उसी प्रांत में क्या हुआ था, दूसरा चुनाव हुआ, सेकेंड नंबर का चुनाव, पहला चुनाव 1937 में हुआ था, अभी जो बताया मैं इसमें, 7 से 8 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, समुदा में, समुदा कहाँ आपका, रायपुर में समुदा सम्मेलन हुआ, समुदा में क्या हुआ भैया, सम्मेलन, समुदा समोसा मोसा नहीं है, समुदा राजनीतिक सम्मेलन हुआ इसमें, एक खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल द्वारा सम्मेलन में भाग उसी द्वारा नेतृत्व किया गया, 13 से 15 दिसंबर 1946। अब बिलासपुर में क्या हुआ, विद्यार्थी सप्ताह निकला, भुवन भास्कर सिंह द्वारा विद्यार्थी सप्ताह, ये कहाँ हुआ, बिलासपुर में, ठीक है इसको याद रखना, भाई को नेता कौन था, भुवन भास्कर, जो लगान मूवी में रहता है भुवन, वही वही नाम है भुवन, इसको याद रखना, दिसंबर 1946। अब इसमें क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ बेमेतरा में, 31 दिसंबर 1946 में एक सम्मेलन हुआ, 7 से 8 बताया, फिर 13 से 15, फिर 31 दिसंबर 1946, पहला समुदा में सम्मेलन हुआ, दूसरा विद्यार्थी सप्ताह बिलासपुर में, फिर एक लास्ट में आपका ये बेमेतरा में
तहसील का सम्मेलन हुआ, तहसीलों का, तहसील का क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, राजनीतिक पॉलिटिशियन वाला सम्मेलन हुआ, इसके नेता थे मोहन बाकलीवाल, मोहन बाकलीवाल इसके नेता थे, ठीक है। फिर एक 1946 में ही आपका संविधान निर्माती सभा का जो छत्तीसगढ़ से भागीदारी हुई, अब संविधान जब लागू हुआ उसका जो निर्माण करने के लिए संविधान पहले सभा बन, तो उस संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से जो भागीदारी 1946 में भाग ली, इसको याद रखना। 1947 में कौन कौन, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो ध्वजारोहण कौन कौन किया, इसको याद रखना। 15 अगस्त 1947, इसको याद रखना। अब शक्ति रियासत देखो, 1947 में एक एक कौन था जो शक्ति रियासत था, वहाँ क्या हुआ, किसान आंदोलन हुआ। शक्ति में, शक्ति अभी वो वर्तमान में जिला बन गया है, जांजगीर चांपा जिले से मतलब अलग हो गया, पहले था इसमें अब अलग हो गया, ठीक है, इसको याद रखना। ये कौन थे, प्यारे लाल जी थे, सिंह, प्यारे लाल जी सिंह थे, इसको याद रखना। ठाकुर, वो भी कैसा ठाकुर था। तो चलिए हो गया, मैं बता दी इसमें का, ये इतना काफ़ी है, मैं पूरा ओवर भी दे दिया हूँ इसमें का, आप लोग रिवाइंड करके सुनेंगे तो आप लोग फायदे में रहोगे, फिर इसका मैं अभी बताऊंगी इसमें। देखो कहाँ से स्टार्ट किया था मैं, तो प्रमुख घटनाएं देखिए कब कब क्या क्या हुआ है, आप रिवाइंड करके सुनेंगे तो फायदे में रहोगे, काम का चीज़ है, फिर आप खुद के अनुसार आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो काम जल्दी याद होगा। ये देखो इसका 1921 22 23 25 33 33 37, ये 42 पहुंच गया, 42 से फिर इधर आया। ये देखिए इसमें का, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, जिनके जिनके एडमिशन लेना ले सकते हैं, कम फीस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और कम समय में आप लोग को कोर्स कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा, और जिनको जिनके ट्यूशन करना है वो संपर्क कर सकते हैं, कम फीस में आप 50% आप लोग का छूट रहेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।